يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أسروا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا absolutely fine. अभी उठा मैं शहरी के लिए 4:30 बज रहे हैं अभी. अभी बज रहे हैं शाम के 4 घंटे. अभी अम्मी के यहाँ पे बनाया जा रहा है पनीर बटर मसाला. जैसा कि आपने देखा था हमारे घर में भी बनाया गया था जो मैंने एक व्लॉग में डाला था. अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. तो देखते हैं होपफुली टेस्टी तो होगा ये. अभी रेडी हो रही है टेबल इफ्तार की और बैठने वाले तो फोन में गेम खेल के बैठे रहते हैं. अभी फ्यू मोमेंट्स लेटर चलो उठो इफ्तार की तैयारी करो. उठो बस से गेम खेले. अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ. आईएएस बनो और देश को संभाल. अभी 6:15 है 15 मिनट है इफ्तार को. चलो जो जल्दी उठो. अभी टाइम है 10:45. मैं और मेरा फ्रेंड इधर जानसर मार्केट आए हैं मेका कैफ़े के पास. तो देखते हैं जगह है या नहीं क्योंकि बहुत रश है बहुत पार्किंग है इधर. हमको भी थोड़ी दूर पार्किंग करके आना पड़ा बाइक. तो चलो जाके देखते हैं. शाम सुबह से शहरी से चाय नहीं पिया मैं. पहले जाके चाय पीना है मुझे. बज रहे हैं 11:15. अभी घर को आया मैं. तो मोस्टली देखते हैं यूसुफ और अरकाम को मिलने का प्लान है. आज दो में से किसी एक को मिलने का प्लान है. तो खाना खाता हूँ पहले. सिर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मैं घर आ गया डिनर करने के लिए. डिनर करके देखते हैं. आज भी ताखिर है. देखते हैं मस्जिद जाने का प्लान है. देखते हैं तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर. ये बन गया पनीर बटर मसाला. माशाल्लाह टेस्ट तो एक नंबर है इसका. और अभी डिनर कर रहा हूँ मैं ये और रोटी. अभी खा के देखते हैं क्या प्लान है. मारो एक पटाखा. मारो एक ये मारो गोली. मारो भाई मारो एक गोली. यूट्यूब में डालेंगे. क्या है 200 रुपये. अभी टाइम है 1:35. अभी निकल रहे हैं चौक से. आज प्रॉपर चौक को नहीं गए हम. थोड़ा ब्रॉडवे रोड के स्टार्टिंग में आ गए क्योंकि बहुत क्राउड थी इसलिए जाना नहीं हुआ उधर.
तो इधर से हमारा प्लान है खादिया मस्जिद को जाने का, कि शायद उधर पे दुआ है और उधर पे जाके देखते हैं क्या, क्योंकि आज ताखरात भी है, इसीलिए क्या बोलते हैं सुफ? सही बात है, इंशाल्लाह जाके देंगे। हाँ तो अभी हमें अभी ऑन दी वे बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद के रोड में है, तो जा रहे हैं खादिया। खादरिया मस्जिद के पास, ये देखो मजमा इधर माशाल्लाह कैसा जमको है। हमारे आदमी आगा 2 साल के बाद एक आदमी नहीं था इधर, इधर से ले लो इसको। राइट राइट राइट, चलो चलो नहीं नहीं ब्रो, यूसुफ बोल रहे हैं अभी के वो गाड़ी बाहर खड़ाएंगे उनकी, पता नहीं क्यों हम लोग तो अंदर ही खड़ाते हैं आराम से, और अंदर से निकालने के लिए भी फ्री रहता है। क्यों यूसुफ बाहर? देखो माशाल्लाह मजमा कैसा है आदमियों का बाहर, इधर खड़ा है यूसुफ गाड़ी अभी, कहीं को भी अंदर की पार्किंग छोड़ बाहर खड़ा है सो। चलो खैर बहरहाल जो भी है, चलो जाएंगे अंदर मस्जिद का। सेल लगा हुआ है, हाँ यूसुफ मुझे लेके आ गए इधर, देखो शूज़ वूज़ कुछ लेना है। शूज़ की क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैंने तो अपने लिए शूज़ ले लिए, 799 है, लेकिन मस्त ब्रांडेड है, जॉनस्टन एंड मर्फी सिंस 1850, मस्त है क्वालिटी शूज़ की, बहुत ज़बरदस्त है वो क्वालिटी, मैं ले लिया शूज़, नहीं तो सच में ये शूज़ बहुत पसंद आई, ले लेता, ये तो ज़रूरत नहीं है मुझे, ऑलरेडी ले लिया हमें। ओ शायद दुआ हुई नहीं मालूम नहीं, लेकिन बहुत लोग आए हैं इधर, आराम भी फरमा रहे हैं लोग, आराम भी फरमा रहे हैं इधर, उस दिन से भी ज़्यादा क्राउड है इधर, पहले ताक साथ जो मैं जो थी वो बाहर और अंदर दोनों भी ज़्यादा है क्राउड। ये ड्रिंकिंग वाटर स्पॉट जो मैंने अपनी वीडियो में बताई थी, इधर पे लोग बैठ के पानी वानी सब पीते हैं। इंशाल्लाह इधर ईद की नमाज़ भी होगी, इंशाल्लाह इधर आने की कोशिश करूँगा मैं ईद की नमाज़ को, ईदगाह को ही जाता हूँ मैं, कोई भी हो ईदगाह को ही जाता हूँ ईद की नमाज़ को मैं, तो इधर आने की कोशिश करूँगा मैं पूरी। बहुत क्राउड होगी वो दिन माशाल्लाह, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, आप उनको दिखाऊँगा, ऑब्वियसली दिखाऊँगा, आपका भाई है इधर दिखाने के लिए। तो चलो यूसुफ का इंटरव्यू हम उधर लेते हैं, ये स्पॉट बची है। वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, जो कुछ भी व्यूअर्स हैं, आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब किया है मेरा भाई का चैनल जो है कुरान ब्लॉग्स का, इंशाल्लाह देखते रहिए और ज़्यादा तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। तो यूसुफ कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस रमज़ान का? दूसरा अशरा भी शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, तो कैसा है तुम्हारा एक्सपीरियंस रमज़ान में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम? 2 साल जैसा कि कोविड सब आ गया था, तो अच्छे सब लोग अच्छे से जानते हैं कैसा गया सबका रमज़ान इन लॉकडाउन में सभी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस फर्स्ट रमज़ान में आफ्टर दैट आफ्टर पेंडेमिक? अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा गुजार हूँ कि अल्लाह ने सबको हमने तौफीक दिया नमाज़ पढ़ने के लिए। आमीन आमीन। और जैसा कि आपने हमने फरहान ने कहा था कि 2 साल के बाद रमज़ान का मिला है, इंशाल्लाह 2 साल के बाद बहुत अच्छा गुजरा रमज़ान, बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है माशाल्लाह, किससे ही पूछो व्यापार की हालत का भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह है, पूरा अच्छा चल रहा है। 2 साल से कंपेयर करे तो ये साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह, जैसा कि आप लोग तो देख रही व्लॉग्स में सभी, सही बात पूरा हम लोग चौक तिलक ने और बहुत सारा है कवर करने का, बस हमारे भाइयों को हमने सब थोड़ा टाइम मैच नहीं हो रहा है, सब शॉपिंग हो गई रमजान की अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो कपड़ा लिया था छुपा के लिए, तो डाला हूँ टेलर के पास सिलाने के लिए, इंशाल्लाह वो चंद रात के 1-2 दिन अव्वल आ जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, तो आपका किधर इरादा है ईद की नमाज़ पढ़ने का? मेरा तो सालों साल में इधर ही रहता हूँ, मस्जिद-ए-खजरा जो है, ईदगाह बोलते हैं इसे, ईदगाह खुदस साहब बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो भी है पूरे माशाल्लाह इधर ही आते हैं नमाज़ के लिए। और नमाज़ के बाद हमारा एक झाड़ है, जैसा कि ऐसा झाड़ है, तो उधर आके सालों साल हम आके उधर खड़े आते हैं, ईद तो मिलते हैं सभी, एक एक पूरे पूरे उधर आके पूरे ईद मिलने को, माशाल्लाह माशाल्लाह। दो साल तक बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और जो चौक में पूरा, मतलब जो वो नीचे मोहरी का सब जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहती हूँ तुम्हें? ओ अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, हालांकि टाइम सही तो नहीं है वो कंस्ट्रक्शन करने के, बेशक क्योंकि आने तो रमजान से पहले खत्म हो जाना वाला था, या फिर रमजान के बाद। बहुत वाहियात दिख रहा है वो तो, उसमें भी आदमी को बहुत जान का रिस्क भी है उधर, क्योंकि वो जो क्रोध से जा रहे हैं आदमी तो नीचे नहीं देख पा रहे हैं, तो नीचे गड़ा है, मोरी है, क्या है, क्या फिसल नीचे देख सके तो ना, इतना रश रहता नीचे देखने कहाँ होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी होला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि बेशक जो भी कहता मेरा मालिक अच्छे के लिए ही कहता है। ठीक है, चलो यूसुफ, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलो ऐसे ही मिलते हैं यूसुफ, तो हमारे व्लॉग्स में माशाल्लाह रोज़ आते हैं, मिलते हैं ज़्यादातर तो आपसे। तो चलो, नेक्स्ट किधर जाने का इरादा है? जैसा कि हमने तिलक नगर गए थे वो दिन, चौक हो गया अपना, तो मैंने सुना कि नीलसंदर में भी कुछ स्टॉल वॉल लगा है, कुछ बहुत सारे प्लान्स हैं, कुछ इतने भी दूर हैं कि हम जा नहीं सकते अभी रमजान में, रजाक पालिया वैसे जगह भी। इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट किधर जाने का इरादा है आपका? नीलसंदर जैसा आपने कहा था, तो इंशाल्लाह नीलसंदर के कुंड मार के आएंगे और साथ में इफ्तार भी करेंगे इंशाल्लाह। जो भी है सेहरी का इंतजाम भी, अगर कोई मस्जिद में है कहीं भी है, तो इंशाल्लाह जाके करेंगे। चलो, होटल में भी जाके करेंगे इंशाल्लाह, टेंशन में। जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह बताएंगे कि इधर। तो अब यहाँ से निकल को क्या करने का प्लान है अब तुम्हें? ऐसे मतलब अब टाइम तो आधे घंटे हो चुके हैं। हाँ, तो इधर से निकल के नमाज की मास्क वगैरह हो गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लिया पूरी तरह ताखरात की। बहुत अच्छा सुकून दिखा दो साल के बाद आके दूसरी ताखरात पढ़ने में। इंशाल्लाह बड़ी घंटे हो चुके हैं, जाके चौक को जाके थोड़ी चाय की पी लेके, तो अल्हम्दुलिल्लाह जाके थोड़ा इबादत करके सेहरी का टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह सेहरी करके रोज़ा रहने की इंशाल्लाह नियत करेंगे। और मेरे भैया को भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी चैनल को कितना हो सके अपने दोस्तों फैमिली को बोले, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलो यूसुफ, मिलेंगे, चलो अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ, दुआ में याद रखिए।